नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव कुमार ओझा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मार्केट लीडर है लाइटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। इनका बेसिकली काम होम अप्लायंस का है। इनके फ़ोन, कूलर्स, लाइट, इटी सब टाइप्स के प्रोडक्ट आते हैं जो कि मार्केट में सभी घर में मिल जाएंगे आपको इजीली देखने। ये कंपनी वेल इस्टेब्लिश है और लास्ट के कुछ सालों में इसने कुछ खास शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दिया है। जैसा कि इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे 38.81% है और जबकि सेक्टर पी 59.13% है। अच्छे वैल्यूएशन पे हमें ये मिल रही है। डिविडेंड यील्ड भी 1% के अराउंड है और 52 वीक हाई 429 है और 52 वीक लो 251 है। और जैसे कि ये लो बीटा स्टॉक है 0.66, तो ये इसकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती है। अगर निफ्टी 51% गिरेगा तो इसमें अराउंड 0.5% की गिरावट आएगी। और इसमें शेयर होल्डर में देख सकते हैं लगभग 2 लाख के अराउंड शेयर होल्डर हैं जिसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 5.6 का है। लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है अराउंड 20% का। 1 मंथ में 10% के अराउंड रिटर्न शो कर रहा है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अभी इसमें कोई ख़ास न्यूज़ तो नहीं है। इनका रिजल्ट आया था जो कि फ्लैट ही था। अभी डिविडेंड की एक्स रेट निकली है, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। हम बेसिकली इसके चार्ट पे अगर जाते हैं और इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में आके चल क्या रहा है। ये हमारे सामने 1 वीक का चार्ट आ गया है। देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ में एक बड़ी गिरावट आई थी कंपनी में जब उसका रिज़ल्ट आया था, और उसके पहले का भी रिज़ल्ट फ्लैट ही था जिसके कारण ये काफ़ी दिन से गिर ही रहा है। आप चार्ट के पीछे जाएंगे, इसने जब 425 के आसपास का टॉप बनाया था उसके बाद से गिर ही रहा है, जो कि अक्टूबर के आसपास बनाया था। और ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन आ गया था, सेल सिग्नल आ गया था। और अभी जो RSI चल रहा है वो 38 का चल रहा है। MACD में भी बेरस क्रॉसओवर ख़त्म हो चुका है और बुलिश क्रॉसओवर सिग्नल आ चुका है। देख रहे हैं ब्लैक लाइन रेड लाइन को काट रही है। और MACD पर भी देखिए बिग ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और 1 डे की जब हम कैंडल देखते हैं तो हमें ये पता चलता है शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में। अब ये मूव अप की तरफ आती है कि डाउन साइड आती है, ये देखना पड़ेगा हमें। अब इसका 1 मंथ का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो शेयर हमें डाउन ट्रेंड में ही नज़र आएगा। देखिए ये अप मूव आई थी और उसके पहले भी आप देखेंगे तो शेयर ने कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 5 ईयर्स। आज 1 डे की कैंडल पे आप इसमें देखेंगे तो वेरी बिग बियर कैंडल शो हुई है, जिसे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहना गलत नहीं होगा, जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। बट इसका जो सपोर्ट लेवल है 269 के आसपास है और उसके बाद 265। इसमें आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और बाइंग की रिकमेंडेड आ रही है सुपर ट्रेंड में। ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे पिरामिड दिख रहे हैं ये सुपर ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, ये सिग्नल देते हैं कि अब इस शेयर को बाय किया जा सकता है क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। और अपर बुलेंजर बैंड के ऊपर कैंडलें बन रही थी, अभी मिडिल बुलेंजर की ओर आने वाली है। अगर ये शेयर मिडिल बुलेंजर को नहीं
तोड़ता है और मिडिल ब्रोंजर बैंड के ऊपर ही रहता है। तो फिर हम आने वाले समय में इसमें एक तेजी देखेंगे। मुझे तो ये शेयर काफ़ी अच्छा लगता है इस वैल्यूएशन पे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। आपको कैसे लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की जर्नी